हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, या इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसे प्लस आर या माइनस आर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एरोमेटिसिटी ऑफ द सिस्टम, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो कंपाउंड्स तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसे हम समझा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, फोर्थ नंबर पर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दे गेट्स डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो स्टेबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स वी विल फोकस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, हीट ऑफ कंबशन, एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेजोनेंस से समझाए जा सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, इफेक्टिवली दो एटम्स के बीच में जो आपस में बॉन्डेड है किसी मॉलिक्यूल में, उनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें इफेक्टिवली वन बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये वन होगा। ओके, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये टू होगा। ओके, और अगर अब हम अल्काइन की बात करें तो इफेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन कार्बन विल बी थ्री। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दो एटम्स जो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, उनमें इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन, तो यहां पर अगर अपन देखें अल्फा, जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट विल बी टू, एंड बीटा में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इज वन। ओके, तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ने से हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज होता है, और हाइब्रिडेशन स्टेट मान लीजिए यहां पर sp3 है, तो यहां sp2 है, और जैसे हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 से sp2 होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है, और परसेंटेज s कैरेक्टर के बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो अगर आपसे ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का पूछा जाए तो दैट विल बी द रिवर्स ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, दूसरी बात, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे दो एटम्स के बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए।
ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विल बी हाई व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर इज हायर. ठीक है, सो अगर हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. सो बॉन्ड एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड, और वो बढ़ेगा अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, बॉन्ड स्टेबिलिटी. जितना स्टेबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए. ठीक है, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, राइट. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम रेजोनेंस की बात नहीं करें, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें रेजोनेंस नहीं है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है इंटीग्रल होती है, इंटीजर वैल्यूज होती है, और ये वैल्यू होती है 1, 2 या 3. ओके, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें रेजोनेंस नहीं है, या उन आयंस में जिनमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस होता है, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज है वो फ्रैक्शनल आती है, और यही चीज हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने बात करी सिंगल बॉन्ड अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है. ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी. जितना स्टेबल बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए. ओके ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट या कंपेयर किया जा सकता है उन स्ट्रक्चर्स में जिनमें रेजोनेंस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम उन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जिनमें रेजोनेंस है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग है या आइडेंटिकल है. तो फॉर्मेट आयन से स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेट आयन में इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर CO का हमें अगर कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए हम जब भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, इस पर्टिकुलर केस में CO की बात कर रहे हैं, तो हम निकालते हैं समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, समेशन ऑफ टोटल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स अपॉन समेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल इनमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम फिक्स कर लेते हैं एटम्स को. तो 1-2 एटम, ठीक है, CO बॉन्ड के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले स्ट्रक्चर में 2 है और दूसरे स्ट्रक्चर में 1 है, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1.5. ठीक है, सो इट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू. ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्ड लेंथ CO की आती है वो 1 और 2 के बीच में आती है. ठीक है, और इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन के लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर CO कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोगों को यहां पर मिलेंगे. All 3 are identical, और बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम दो एटम्स को फिक्स कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 2+1+1, टोटल RS हो जाएंगे 3, एंड द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू विल बी 4/3. ओके, अगर हम बात करते हैं इस तरीके के कैटायन की, ठीक है, आगे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ये एक एरोमेटिक आयन है, इसके भी 3 इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2+1+1, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी 4/3. ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की.
सल्फोनिक एसिड इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 होंगे. और अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं एस के और ओ के बीच में, तो जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी दैट विल बी, हमने इन दोनों को फिक्स कर लिया ओके. और इन दोनों को फिक्स करने से टोटल बॉन्ड्स हो गए 2+1+2/3 टोटल नंबर ऑफ आर एस. सो वैल्यू विल बी 5/3 ओके. तो ये एक तरीका है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का, ठीक है. बट दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव आइडेंटिकल स्टेबिलिटी. ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में बराबर बराबर है, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जिनमें इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, या नॉन आइडेंटिकल या अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें कई सारे आरएस बनेंगे, 10 या 15 या 7 या 8 बनेंगे, उनमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है टोटल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करना, ठीक है. तो एक ट्रिक है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है. जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एज द सम ऑफ सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा. तो जो एटम्स रेजोनेंस कर रहे हैं इसको हम एक्सक्लूड कर दें, ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं है. जो रेजोनेंस कर रहे हैं वो ये 3 एटम्स हैं, ओके. और 3 एटम्स में टोटल सिग्मा कितना हुआ, 1 और 2, तो सिग्मा हो गया 2, पाई एक ही है, अपॉन टोटल सिग्मा 1.5. ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं करने हैं तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 1, 2 एंड 3 एंड पाई बॉन्ड्स होंगे 1. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा से डिवाइड कर दें, आंसर 4/3 राइट. जैसे इसमें अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो टोटल सिग्मा हो जाएंगे 3 और पाई बॉन्ड 1 है अपॉन 3. सो आंसर विल बी 4/3. सल्फेट आयन की अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, ये बाहर है रेजोनेंस से, इसको छोड़ दें. जो रेजोनेंस कर रहे हैं उन एटम्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 3 और सॉरी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1, 2, 3, पाई बॉन्ड्स 2 हैं अपॉन टोटल सिग्मा 3, आंसर 5/3 ओके. तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बाय ट्रिक सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा ओके. ओके, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इनमें आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट करें. सो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन कैलकुलेट करें. बॉन्ड ऑर्डर P एंड O, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ऑक्सीजन. बॉन्ड ऑर्डर कार्बन नाइट्रोजन. ओके, तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर टाइम लगे तो आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट कर लें. राइट, क्वेश्चन नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स है 5, पाई बॉन्ड्स 2/5, आंसर 7/5. ओके, क्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 4, पाई बॉन्ड्स हैं 3/4, आंसर 7/4. ओके, बॉन्ड ऑर्डर पीओ के बीच में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 4, पाई बॉन्ड है 1/4, आंसर 5/4. बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 3, पाई बॉन्ड्स हैं 3 सॉरी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स हैं 6,
फाइव वन से थ्री अपॉन सिक्स 1.5, ठीक है। अगर हम बात करें एसीटेट आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, इसको हम एक्सक्लूड कर दें, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, रेजोनेंस इसी में होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 2, पाई बॉन्ड 1 अपॉन 2, आंसर 1.5, ठीक है। इसमें अगर अपन देखें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 2 प्लस 1 बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ओके। अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो अनइक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो होते हैं उनमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो स्ट्रक्चर या जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता नहीं है, और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर नहीं होता है तो ऐसे केस में हम एवरेजिंग नहीं कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं अभी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग में वो एवरेजिंग ही तो है। यहां पर अगर हम देखें इन दोनों में ए और बी में बी ज्यादा स्टेबल है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर हम बात करें वन और टू या सीओ के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है ये वन और टू के बीच में तो आएगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरेजिंग करके हम 1.5 ले सकते हैं। ऐसे केस में सीओ जो बॉन्ड है ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जो वैल्यू एक्चुअल आएगी बॉन्ड ऑर्डर की वो 1 के क्लोज होगी, या हम ये बोल सकते हैं कि 1 से तो ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो इसमें पार्शियल बॉन्ड तो आएगा, बट पार्शियल बॉन्ड आएगा लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1 से ज्यादा होगा ये बोल सकते हैं, बट 1 के क्लोज रहेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर ही क्या होगा, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर के क्लोज रहेगा, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 से ज्यादा है लेकिन 1.5 से कम है, या इसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट क्लोरोबेंजीन एंड वी कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ 1-chlorocyclohexane, सो if we name the bond as alpha and beta, the bond order of alpha will be more than the bond order of beta, क्योंकि यहां पर effectively one bond रहेगा, जबकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन पर प्रेजेंट लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करेगा तो इस तरीके से कार्बन के और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा with the development of positive charge on chlorine and negative charge on carbon. जो actual structure होगा इसमें bond order 1 और 2 के बीच में रहेगा, of course 1 के close होगा मगर 1 से ज्यादा होगा, और इसलिए bond order alpha का ज्यादा होगा। हम ये बोल सकते हैं कि carbon chlorine bond is stronger in when it is associated to benzene compared to that of cyclohexane. ये बोल सकते हैं कि हम जो क्लोरोबेंजीन है इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और आगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ऐसे बॉन्ड्स को डिसोसिएट कर पाना मुश्किल होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, और ऐसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सब्स्टिट्यूट आसानी से नहीं होते हैं इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। सो दिस इज अबाउट द कंपेरिजन, हम यहां कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना है, फ्रैक्शन में है या जो भी वैल्यू है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विद अनदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं इस पे आप लोगों को देता हूं, ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें। ओके, ये क्वेश्चंस करें, तो आपको कंपेयर करना है जो बॉन्ड्स में नेम कर रहा हूं इनके बॉन्ड ऑर्डर को,
ओके क्वेश्चन नंबर वन, देखिए क्वेश्चन नंबर वन में यहां पर अल्फा जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर बीटा से ज्यादा होगा, क्योंकि बीटा में सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, जबकि अल्फा में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर बीटा से ज्यादा होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर बीटा से ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहां अगर अपन देखें तो एक अगर आप लोगों ने ये बना लिया हो कि रेजोनेंस से हमेशा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ऐसा नहीं है। यहां पर जो अल्फा है यहां बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच में 2 है, जबकि बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल बॉन्ड बना रहा है मतलब एवरेज में बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम आएगा, और अगर 2 से कम आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 से कम हो रही है, और 2 से कम हो रही है तो क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। यहां अगर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर, इसके लिए 1 रहेगा, इसके लिए 2 रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, हमारा केस 4 टाइप है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इससे यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी बीटा की, और सबसे कम होगी अल्फा की, और गामा की इन बिटवीन आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू गामा के लिए सबसे कम आएगी क्योंकि परफेक्ट सिंगल है, यहां पर अल्फा के लिए ज्यादा आएगी क्योंकि परफेक्ट डबल बॉन्ड है, और बीटा की इन बिटवीन आएगी क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। सिमिलरली यहां इन दोनों के बीच में हमें कंपेयर करना था, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अल्फा के लिए ज्यादा आएगी बीटा से, क्योंकि यहां परफेक्ट डबल बॉन्ड रहेगा, जबकि यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कार्बन कार्बन में। ओके, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बीटा की बॉन्ड ऑर्डर अल्फा से कम हो जाएगी। सिमिलरली यहां अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड ऑर्डर, तो अल्फा में परफेक्ट डबल बॉन्ड है, जबकि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा किससे, बीटा से। ओके, तो इसमें आप लोग बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कंपेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम बात करें तो अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर, जैसे यहां अपन देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो बीटा में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 रहेगा, और अल्फा में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस अल्फा में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर बीटा से कम होगा। सिमिलरली यहां अगर अपन 9 क्वेश्चन में डिस्कस करें, तो अल्फा में क्या होगा परफेक्ट डबल बॉन्ड, और बीटा के साथ क्या होगा ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड होंगे, रेजोनेंस करेंगे, इसलिए बीटा में जो बॉन्ड है डबल वो सिंगल में कन्वर्ट होगा, या हम ये बोल सकते हैं कि बीटा का बॉन्ड ऑर्डर अल्फा से कम होगा। इफ यू कंपेयर इन दीज 3 स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी गामा में,
क्योंकि परफेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड है. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस अल्फा में और बीटा में सिंगल बॉन्ड आएगा, बट इन केस ऑफ अल्फा मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा. ठीक है, सो इन केस ऑफ अल्फा एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड आएगा, बट बीटा के केस में एक पाई बॉन्ड कम है, और क्योंकि पाई बॉन्ड कम है तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा. तो हम ये बोल सकते हैं अल्फा के केस में ज्यादा सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग सीओ आ रहे हैं, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सीओ सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है, इसलिए अल्फा का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा किससे, बीटा से. तो ये ऑर्डर हमको मिलेगा सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा और फिर अल्फा. ओके, तो हम बात करते हैं इसमें, यहां पर बीटा जो है सीओ के बीच में बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. ठीक है, सॉरी, इसमें क्या होगा, परफेक्ट डबल बॉन्ड होगा, और अल्फा में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. हम ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो एवरेज 2 से कम आएगा. यह बोल सकते हैं हम कि जो बॉन्ड ऑर्डर है ये अल्फा का कम होगा बीटा से, बिकॉज इट इज परफेक्ट 2 एंड दिस इज 1 और 2 के बीच में आएगा. ऑफकोर्स 2 के क्लोज होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, बट देन बीटा का बॉन्ड ऑर्डर अल्फा से ज्यादा आएगा. यहां पर अगर अपन बात करें जो बॉन्ड ऑर्डर है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है बिकॉज इट इज आइडेंटिकल, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग. और यहां पर क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी वो निकाली तो नहीं जा सकती, कंपेयर की जा सकती है इन दोनों में. यहां पर तो सीओ के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, मगर ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 के क्लोज रहेगा, और 1 के क्लोज रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से. ठीक है, तो ये 1 के क्लोज होगा क्योंकि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, इसी का कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को डिसाइड भी करते हैं. ओके, इसमें अगर अपन देखें अल्फा और बीटा में दोनों ही में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. अभी हम क्या कर रहे थे, एक में फिक्स बॉन्ड ऑर्डर है इंटीग्रल वैल्यू, एक में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल है. यहां पर ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू दोनों में फ्रैक्शनल आएगी, मगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा डिक्रीज करेगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल, ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और इसमें इतने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे. तो यहां डबल बॉन्ड डोमिनेट करेगा और वहां सिंगल बॉन्ड डोमिनेट करेगा. हम ये बोल सकते हैं कि एवरेजिंग में बीटा का बॉन्ड ऑर्डर अल्फा से ज्यादा होगा क्योंकि यहां नंबर ऑफ आरएस जिनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है वो कम है, और यहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या आरएस जिनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है वो ज्यादा है. ओके, तो बात करते हैं इन दोनों के लिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओके, तो इन दोनों में अगर हमको कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर, ओके, तो अल्फा और बीटा में जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो अल्फा के लिए ज्यादा आएगी बीटा से. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से अपने प्लेन से घूम जाते हैं.
ठीक है, मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप दोनों है इनका प्लेन बेंजीन का प्लेन है और इन मिथाइल ग्रुप्स का प्लेन हो जाता है इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जाने से जो रिपल्शन है वो कम हो जाता है, और अगर ये परपेंडिकुलर चले जाते हैं एक ऐसे आउट ऑफ प्लेन एक इन द प्लेन, तो ये जो लोन पेयर है ये अब बेंजीन के साथ जो बेंजीन में प्रेजेंट पी ऑर्बिटल्स है इनके साथ पैरेलल नहीं रहेगा, और अगर ये पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेगा तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वही होते हैं जिनमें पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं, और अगर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो ये लोकलाइज लोन पेयर होगा, और लोकलाइज लोन पेयर होने के कारण यहां पर कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बीटा की ज्यादा आएगी, क्योंकि बीटा में लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक साथ रेजोनेंस करेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी किसकी, अल्फा की, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा किसका, बीटा का। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम कंपेयर करें अल्फा और बीटा का बॉन्ड ऑर्डर, दोनों ही में पार्शियल रहेगा, मगर यहां पर एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बिकॉज ऑफ वन पाई बॉन्ड, यहां दो पाई बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें सी और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, तो जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो अल्फा के लिए ज्यादा आएगी बिकॉज लेस नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां पर मोर नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ओके, तो अगर हमें ये चार बॉन्ड ऑर्डर्स दिए जाए, मतलब बॉन्ड दिए जाए अल्फा बीटा गामा डेल्टा नेमिंग करके, ठीक है, तो यहां पर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस बनने के कारण बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रहेगा, यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 रहेगा, यहां हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, लेकिन यहां हम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी, मगर दिस बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू विल बी मोर क्लोजर टू 1 बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल है, और जो इसका आरएस हम बनाएंगे बिकॉज ऑफ चार्ज सेपरेशन, जो आरएस हम बनाएंगे इसमें चार्ज सेपरेशन रहेगा जिससे कि यहां पर जो लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो मोर स्टेबल के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर 1 के क्लोज रहेगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू, सबसे ज्यादा होगा बीटा, फिर होगा अल्फा, फिर होगा डेल्टा, इट विल बी क्लोज टू 1 बट फ्रैक्शनली मोर देन 1.1 समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड गामा, तो इसका क्या होगा एग्जैक्ट 1, इसका क्या होगा इसका 1.5, इसका क्या होगा 2, एंड दिस विल बी स्लाइटली मोर देन 1, इसी को हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हमने कंपैरिजन किया डबल बॉन्ड कैरेक्टर का या बॉन्ड ऑर्डर का ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और अब हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी देखे थे जो आइडेंटिकल या इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं जिनमें हमने बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के लिए वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस असाइनमेंट्स में हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या है जहां पे भी क्वेश्चन आपको बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन के लिए मिले आप लोग इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं रेजोनेंस की, एंड दिस एप्लीकेशन इज प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, या इसे मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। मीजोमेरिक इफेक्ट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एंड माइनस आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं इंडक्टिव इफेक्ट का, बट मीजोमेरिक इफेक्ट इज रिलेटेड ओनली थ्रू रेजोनेंस, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही ये इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल
इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम और द इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्लस एम इफेक्ट की। प्लस एम इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट भी कहा जाता है, या इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। बहुत सिंपल एग्जांपल से हम कंसीडर करते हैं। बेंजीन में यदि मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो ऑक्सीजन एटम के पास है लोन पेयर, और ये लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट करेगा। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं 1, 2 और 3, डबल बॉन्ड की लोकेशन 1, 2 के बीच में, और लोन पेयर 3 पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो O के लोन पेयर हैं वो कार्बन पर आ गए, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पर, और ये ऑर्थो पोजीशन से माइग्रेट करके पैरा पे चले जाएंगे। तो एक और जो हम इसका आरएस बनाएंगे, तो इस तरीके से लोन पेयर की लोकेशन पैरा पर आ जाएगी। ठीक है, एक और हम इसका आरएस बनाते हैं तो ये लोन पेयर फिर से ऑर्थो पर आ जाता है। तो हम पहले भी बात कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती या घटती है, लेकिन कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, और अगर हम सिर्फ प्लस एम की बात करें, प्लस एम इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, एंड प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। ओके, कोई और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेंजीन के अलावा तो हम इस तरह से देखते हैं ऑड नंबर वाली पोजीशंस पर ये इफेक्ट ट्रांसफर होता है। जैसे 1 से 3 पर जाएगा, ठीक है, सो 1 से 3 पर जाएगा, 3 से 5 पर, 5 से 7 पर, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जिनमें पहले एटम पर लोन पेयर होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया विथ OH, ये प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। NH2 ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। OCH3 ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। SH ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। SCH3 ग्रुप, ठीक है, CH3 ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता है क्योंकि कार्बन पर कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। CH2 नेगेटिव शो कर सकता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। CH2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सारे हैलोजन ग्रुप्स, ऑल्दो इनका प्लस एम इफेक्ट वीक रहता है, माइनस आई इफेक्ट से, बट स्टिल ऑल ऑफ द हैलोजन ग्रुप्स कैन शो प्लस एम इफेक्ट। एक अगर कार्बन एटम है जिस पर इनके दोनों इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, माइनस आई भी और प्लस एम भी, तो डोमिनेट करता है माइनस आई। ठीक है, दे आर नेट विदड्रॉइंग ग्रुप्स, बट ऑल द हैलोजन ग्रुप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दे कैन शो प्लस एम इफेक्ट। व्हाट इज प्लस एम? इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू रेजोनेंस। बेंजीन पर अगर लगेगा तो कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा पर। ठीक है, और भी ग्रुप्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर अपन बात करें OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है। C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें NR2, इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, लेकिन NR3 प्लस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट NH, C डबल बॉन्ड OCH3, इट कैन शो प्लस एम इफेक्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट C डबल बॉन्ड ONH CH3, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, ऐसा ही एक और इफेक्ट है माइनस एम या, ठीक है, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
इफेक्ट. ओके, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स शो कर सकते हैं जिसमें एक्स डबल बॉन्ड वाई हो और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा हो, या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई हो जिसमें वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज्यादा हो, या फिर ऐसा कोई एटम हो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, पहला एटम, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट बेंजीन से हमने एसोसिएट किया NO2, तो यहां पर देखें दिस इज एक्स डबल बॉन्ड वाई और वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स. भाई एन डबल बॉन्ड ओ है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन से ज्यादा है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है. माइनस एम इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, तो ये पाई बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इधर कन्वर्ट होगा. ये इसी तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट कार्बन है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये चार्ज माइग्रेट करके पैरा पे चला जाएगा. तो हम बात कर रहे थे जो भी रेजोनेंस इफेक्ट का ट्रांसफर है बेंजीन में ऑर्थो पैरा पर होता है. ठीक है, तो यहां भी हम देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे हैं, कार्बन आयन डेवलप नहीं हो रहा है, कार्ब कैटायन हो रहा है. कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पर. ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप्स एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स, दे कैन शो माइनस एम इफेक्ट. ठीक है, तो एनओ टू विल बी ए माइनस एम ग्रुप. सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक्स y y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम ग्रुप. C डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा. C डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, x और y y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, सी सी एल थ्री, ये माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि सी सी एल थ्री में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो इट इज ए माइनस एम ग्रुप. एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सी डबल बॉन्ड ओ एन एच पी एच, ठीक है, माइनस एम ग्रुप होगा. ओके, इफ वी टॉक अबाउट एन आर थ्री प्लस, इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, कोई एक्स डबल बॉन्ड वाई ट्रिपल बॉन्ड वाई नहीं है, माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा. सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इट विल बी ए माइनस एम ग्रुप. इफ यू टॉक अबाउट सम अदर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल सी एच टू प्लस, क्योंकि इस पर वेकेंट ऑर्बिटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन में हम एसोसिएट करते हैं सी एच टू प्लस को, ओके, तो क्या होगा? ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ऑर्थो पे प्लस आएगा. तो ये सी एच टू प्लस भी माइनस एम ग्रुप है, बी एच टू वेकेंट ऑर्बिटल है, ये भी माइनस एम ग्रुप है. ठीक है, तो माइनस एम ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं थ्रू रेजोनेंस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रेजोनेंस के थ्रू बनते हैं, ठीक है, तो दे आर नॉन एज माइनस एम या माइनस आर ग्रुप. बेंजीन से जुड़ने पर इस तरीके के ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं. ठीक है, जबकि प्लस एम ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं. तो एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे इसे हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो वी विल डिस्कस प्लस एम एंड प्लस एच, सॉरी प्लस एम माइनस एम विथ प्लस एच एंड माइनस एच. ठीक है, तो वी विल कंपेयर प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच एंड प्लस आई माइनस आई. ठीक है, इन आवर कमिंग लेक्चर्स, आगे आने वाली क्लास में मैं और आप लोगों को प्लस एम माइनस एम ग्रुप्स बताऊंगा. और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो दोनों इफेक्ट शो कर पाते हैं, प्लस एम भी और माइनस एम भी. ठीक है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं, और एडजस्टिव ग्रुप्स के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, ये जो प्लस एम माइनस एम पढ़ा है, इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. इंटरमीडिएट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और स्टेबिलिटी को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं. तो कैसे ये स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या एप्लीकेशंस रेजोनेंस की हो सकती हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन वाज बॉन्ड ऑर्डर, जो हमने डिस्कस किया ऑन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस एंड अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस. सेकंड एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.